हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे। तो ना अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रही जो ये उत्तरकाशी टनल है ना, इसमें 41 मजदूर ढह गए हैं, मतलब अंदर मलबे में बस गए हैं। तो पता नहीं 41 मजदूर, और वो 12 तारीख से फंसे हुए हैं। बाप रे, मतलब सरकार पूरा A to Z जोर लगा रही है, लेकिन किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है। तीन मजदूरों की तो हालत ख़राब हो रखी है, ना हवा है, ना पानी है, ना फ्रूट है, ना कुछ नहीं है। दवा भी उनको वैसे उस तरह से पहुँचाई जा रही है, मेरे ख्याल से शायद ऑक्सीजन का व्यवस्था कर रखी होगी। तो भैया क्या कह सकते हैं, मैं अभी न्यूज़ देख रही थी, मैं उनका ये पढ़ने में लगी हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाई जाए। पता नहीं ये देवभूमि में हो क्या रहा है। चार धाम यात्रा मार्ग पर बन रही शिकारा टनल का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। 12 नवंबर को यानी दिवाली के आसपास की बात है, तो उस दिन ढह गया था। उसमें 41 यानी 41 मजदूर जो काम कर रहे थे वो तब से वहाँ एक उसमें बंद हो चुके हैं, और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल जा रहा है। एक बार हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, दूसरी बार हो चुका है, तीसरी बार हो चुका है। मतलब ये कब तक चलेगा भैया? इसमें हो क्या रहा है? शासन प्रशासन कर क्या रहा है? मुझे क्या, पब्लिक को जवाब दीजिए, उनके घर वालों को जवाब दीजिए, थोड़ा राहत दीजिए। एक तरफ मालती चौहान का है, उसके लिए लोग इतने भागे भागे उमड़े पड़े हैं कि जैसे वो सुपरस्टार है, तो मतलब पूरी पब्लिक, बिहार की पब्लिक उनके पीछे पड़ी, मतलब उनको शमशान पहुंचाने के लिए पूरी पब्लिक उनको वहां पहुंच गई थी। लाखों करोड़ों की पब्लिक आई होगी, 60 करोड़ से ज़्यादा मतलब पब्लिक उनके पीछे लगी रही होगी। अभी आप यहाँ पे यूट्यूब में सर्च की थी, अभी तक उनका चल रहा है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन का है उत्तरकाशी का चल रहा है, तो इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है इंटरेस्ट पता नहीं, और कोई क्यों इस वीडियो में टॉपिक में नहीं बनाना चाहता पता नहीं। अब आप बात करेंगे जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या कुछ भी होगा, तो उसमें गीत भी आने लग जाएंगे, उसमें सॉन्ग भी आने लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो क्यों नहीं बनी है? शासन प्रशासन कर क्या रहा है? जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे ना बहुत वो हो रहा है देवभूमि, मतलब बहुत वो हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जैसे 41 मजदूर हैं तो सर कुल सर रहे, और 12 तारीख से 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 आगे तारीख है 15 दिन के आसपास हो चुका है। 15 दिन से आदमी बगैर खाए पिए रहे, और कैसे रह रहे होंगे, थोड़ा उन परिवारों के बारे में भी सोचिए कि 41 मजदूर हैं, किसी के छोटे बच्चे होंगे, किसी की नई शादी हुई होगी, किसी का कुछ हुआ होगा, अल्लाह पल्ला ढिंगाना। तो ये हो क्या रहा है पता नहीं, और इसके उसमें क्यों इतनी वो आ रही है, काम में इतनी बाधाएं क्यों आ रही है? प्लीज़ मुझे क्या पब्लिक को बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए यार। ये बहुत बड़ी बात होती, 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें चल रहा है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भगवान से दुआ कीजिएगा कि सब उसे लहें, जैसे भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उत्तरकाशी का जो चल रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और मजदूर सारे बाहर निकल आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं करेंगे कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आज मतलब हम देखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जो उत्तरकाशी का चार धाम यात्रा में जो मजदूर टनल फंसे हुए मजदूर फंसे हुए हैं 41, तो उनके लिए कौन कौन वीडियो को ज़्यादा शेयर करता है। ठीक है, आज आई है देवभूमि वालों की बात आई है, उत्तराखंड के पुरुष के वो आया हुआ है। जैसे बिहार के लोगों ने एक संपत्ति दिखाई मालती चौहान को न्याय दिलाने के, यहाँ से दर बदर भटक रहे हैं, तो आप रेस्क्यू ऑपरेशन में एक वीडियो नहीं शेयर कर सकते? कर सकते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, भगवान से दुआ कीजिएगा कि 41 मजदूर जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।